ये देख तू ऑटो से देख, खुलते ही प्लान था, खुलते ही खरीदूंगा। 2.28 में कैपिटल देखना मेरा कितना यूज हुआ, कितना लगा था कैपिटल, बाय वैल्यू 12,34,000 पर लगा था। तो उसको भी समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन बताया कोई चीज़ अगर हमारी उनकी अकॉर्डिंग नहीं चली तो उसको अपन ठीक करेंगे। तो अभी आएगा तो मैं आपके साथ डिस्क्लोज करूंगा कि सेवी का क्या अभी रेगुलेशन आई। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है तुम्हारा यहाँ का नैनीताल भाई, जबरदस्त जबरदस्त व्यू, क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई। इतनी लगातार बारिश हो रही तो भर भी गया, ऊपर तक भर गया। देखो पहले एक टाइम पर सूख गया था, कुछ दीवार दिखने लग गई थी, ऊपर तक भर गया ये, एंड कॉर्नर तक भर चुका है भाई। बेसहदात से लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश, देखो लगातार बारिश हो रही है। तो इसका मतलब हमें टाइम से नीचे पर निकल जाना चाहिए, वरना वो जो नाले आ गए ना गधेरे बन के, हम फंस जाएंगे बीच में, बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। सामने देखो लैंड स्लाइड हो रहा है, ऊपर ऊपर एक हॉस्टल है, हॉस्टल लड़कियों का हॉस्टल है, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है। अगर एक हफ्ता बारिश हुई ना पूरा हॉस्टल नीचे आ जाएगा इस साइड से। हाँ हाँ भाई, बहुत ख़तरनाक बारिश हो रही है यहाँ पर नैनीताल के अंदर। तो अभी मैं निकलता हूँ उठ के सीधा सीधा अल्लानी हो, क्योंकि यहाँ रुकना ठीक नहीं है अभी, क्योंकि रास्ते में जितने गधे थे ना, टाइम देखे तो 7 बज गए, निकलते हैं अब। बारिश बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक भाई साहब, बेहिसाब पानी, ओहो। अरे भाई ये ऊपर गधेरा कितना भयंकर आ रहा है ये, अरे भाई, अरे भयंकर, प्लीज मत आओ, वेट फट के चार हो जाएगी ऐसे, गधेरा भी कितना खतरनाक आ रहा है भाई साहब, वही खतरनाक। ये तो सिर्फ एक नाला है, मतलब एक गधेरा है, एक ही जगह दिखाई तो पूरा पानी इतना तेज बह जाएगा, हाँ बह जाएगा उसमें तो आराम से, मिनी वाटरफॉल बने हर जगह पर, झरने ही झरने भाई साहब, खतरनाक हो रहा है भाई। परसों तक हम हर जगह वाटरफॉल ढूंढ रहे थे, ये क्या है, ओ माय गॉड वाटरफॉल, ओ वाटरफॉल भाई, परसों तक तो हम हर जगह वाटरफॉल ढूंढने, हम कहाँ कहाँ चले गए, हम तो वहाँ पे गए मुक्तेश्वर में एक भालू गाड़ में, वहाँ पानी नहीं मिला, मैंने कहा पानी नहीं, आज तो क्या हो रहा है, रास्तों में वाटरफॉल ही देखो जगह जगह वाटरफॉल भाई, जगह जगह कई खतरनाक, कई खतरनाक, ये देखो जगह जगह वाटरफॉल, छप 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 ये भाई साहब, कई खतरनाक बारिश। तो भाई साहब हम फंस गए गाड़ी के अंदर, और यहाँ आगे लग गया है ट्रैफिक जैम, बगल से छोटा सा गधेरा जो आगे बहुत बड़ा हो चुका है, जो आगे पूरा का पूरा जाम लगा दिया है, जिसके आगे रोड ही जाम लगा दी, जो अब आगे नहीं जा सकते, मुझे लग ही रहा था पूरा। पीछे देखो जाम वाम लग गया है, वन साइड नीचे वाले नीचे नहीं आ पा रहे, ऊपर वाले ऊपर नहीं आ पा रहे, इसका मतलब बीच में गधेरा आ रखा है, या लैंड स्लाइड हो रही है बीच में, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। हाँ हमें गाड़ी में सोना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ट्रेड ईजी होगा क्योंकि अभी जो टाइम, देखो ये 9 बजने वाले हैं आज, तो मेरे बैंक तुम्हारे भाई के पोर्टफोलियो में HDFC बैंक पड़ा है, बेहिसाब पैसा बनेगा अब तो, बेहिसाब। गाइस ओपनिंग हो चुकी है मार्केट की, होने वाली है अभी, आप देखोगे तो निफ्टी जो हमारा चल रहा है 178, 175, 176 ऐसा कुछ चल रहा है, सेंसेक्स भी 700-800 पॉइंट, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट तो प्लस ही दिखाएगा इस हिसाब से, उनको हिसाब से HDFC बैंक का ADR जो है US मार्केट में है ना, वो ऑलमोस्ट कल था 4%, 4.5% अप, 4.5% अप, तो आप समझ लो आज का मार्केट बिल्कुल, बैंक एक्स 600 पॉइंट है, तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट ओपनिंग देगा है ना, तो 600-700 पॉइंट की ओपनिंग अपने को मिल सकती है। तो लेट्स सी क्या बन गया, क्या बना दिया इतना अबे टाइम तो देख, 9:17 हो गए ये देख तू ऑटो से देख, खुलते ही प्लान था, खुलते ही खरीदूंगा, 2.28, 2.27, 2.29, 2.26, 2.28, 2.30 मैं उठाया, 3.36, 3.38, 3.40, 3.36, 3.38, अब इसमें कैपिटल देखना मेरा कितना यूज हुआ, कितना लगा था कैपिटल, बाय वैल्यू 12,34,000 पर लगा था, 18 लाख, बढ़िया है सारे ऑर्डर। लेकिन यार मेरे को समझ नहीं आया, जैसे मैंने यहाँ पर ऑर्डर मारे, मैंने तो सारे लिमिट में मारे थे, ये है ना, ये मैंने सब अलग अलग रखा था, देखिए 300 रखा है कुछ, ये सब 300 क्यों दिखा रहे हैं, अरे वो प्राइस गैप डाउन हुआ था ना थोड़ा सा बीच में कैंडल में,
800 ही करा ना, 500 किया है मैंने। तो मैंने इस वक्त जितने मेरे बाय ऑर्डर थे मैंने सारे एग्जीक्यूट किए, और इसमें पता नहीं कौन सा ऑर्डर पे इसने मेरे को दे दिया, मेरे को समझ में नहीं आया। लिक्विडिटी के चक्कर में दिया, लेकिन इसने मेरे को सब दे दिए। और खुलते ही भाई देखो ना, तुम टाइम देख, 9:15, 4 सेकेंड, 4 माइक्रो सेकेंड है नी, और 9:00 कितने का बुक हो गया सब, 9:16, 15 एक मिनट का गेम है वो, एक मिनट के अंदर 6 बेटी था भाई, ये 5,88,000 गाड़ी घुमाओ। बर्थडे कहाँ पे होगा भाई, ट्रैफिक जैम के अंदर, ट्रैफिक जैम के अंदर, नेटवर्क इश्यू हो गया, नेटवर्क इश्यू, पैसा बना भाई, प्लान थे को एग्जीक्यूट बताया था कैसे करेंगे, खुलते ही उठाऊंगा क्योंकि मेरे को रिजेक्शन की एक्सपेक्टेशन थी, साला वही हुआ जो चाहिए था मैं। और मैनिफेस्टेशन देगा हमने क्या कहा, खुलते ही बढ़िया प्रॉफिट होगा देखना, खुलते ही हो गया भाई। और बैंक निफ्टी देखो कहाँ पे, अभी बैंक निफ्टी 138 ये कुछ पॉइंट चल रहा है भाई, मजा आ गया भाई। खुद गाड़ी के अंदर कोई साइड खड़ी कर दी, देखिए ये जैम में ये मेरे को पीछे से हॉर्न मार रहे थे, मैंने साइड खड़ी कर दी, मैंने अपनी नंबर हटा दिया गाड़ी से। HDFC बैंक को धन्यवाद। अरे भैया HDFC बैंक तो भैया माई क्या ही बताऊं मैं आपको भाई, वो नहीं पहले इनको ही दिखाओ ना, ये जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम सही 750 चल रहा है, मैं यहाँ उठाया उसको, मैं मेरे को इसने बॉटम पे ऑर्डर दिए थे, बॉटम पे भाई मैं यहीं पे निकला हूँ, इसने 750 चल रहा है, इसने ये मेरा पैसा कर रहा था, मतलब मैंने 130 पे उठाया, ये 750 चल रहा है, खुद कैलकुलेट करो इसमें मेरा कितना पैसा बन जाता, इसमें मेरे 12 लाख रुपए लगे थे भाई, मैं 5 लाख मैं साढ़े ऑलमोस्ट 6 लाख बना के निकला हूँ, और पीछे से देखो तुमको बनेगा भाई वाटरफॉल, हमारे यहाँ जगह जगह वाटरफॉल है भाई, हमें तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये जबरदस्त भाई, चल नहाने, आपने तो कभी देखा नहीं होगा, आपने तो कभी देखा नहीं होगा, हमारे यहाँ तो रोज आता है भाई। दिल्ली वालों ना दिल्ली MP मुंबई वालों देखा नहीं होगा, ये मुंबई वालों ने तभी देखा होगा थोड़ा सा, वो नावला जाके। फाइनली गाइस थोड़ा सा भीग भाग के होकर के आ गए घर पे, अभी आपका अपना सिस्टम पड़ा हुआ है, अब इस सिस्टम पे क्या करना है, कुछ नहीं, रिकॉर्ड करना, यूट्यूब पे डाल देना है, और कुछ नहीं, यूट्यूब से भी कमाएंगे यार, क्यों नहीं कमाएं बताओ, सब करेंगे हम, ठीक है। तो अभी सब हो गया है, अब अपन ब्रश व्रेश करते हैं, थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, क्योंकि हुआ ही नहीं सुबह, वहाँ सीधा उठे आ गया मैं, सीधा उठ के आ गया, मेरा प्लान था कि आके इधर आके ट्रेड वगैरह करूँ, बट मैं उधर ही रास्ते में इतना ट्रैफिक जाम हो गया कि अपन आ नहीं पाए, पहुँच नहीं पाए यहाँ पर, लेकिन अब पहुँचा हूँ, जो टाइम हो रहा है 10:38, ऐसे अभी मार्केट ओपन हुआ है, अभी यही कह सकते हो, बट अपना तो हो गया, अब क्या करें गाइस, बाहर मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, अभी देख रहे होंगे है ना, ये है 2-3 दिन बारिश इसका, 2-3 दिन लगातार बारिश के हाल जो यहाँ देखने को, जिसकी वजह से यहाँ पानी नहीं आ रहा है हमारे पास भी, टंकियाँ उनके सब खाली हैं, और फिर हमें यहाँ जिम, वो दिखा दो तुम्हें बढ़िया सी चीज़, वो देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे बादल, पहाड़ों के ऊपर से बादल निकल रहे हैं। फिलहाल मैं जाता हूँ जिम को, क्योंकि मैं सोया था, सुबह मैंने ट्रेड मारा था, जिम करते फटाफट से। जब आपको नई गाड़ी लेनी होती है ना, तो आप गाड़ी खुद कहती है भैया मुझे मत वो करो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, आज ये गाड़ी कह रही मुझे छोड़ दो, देख लो पूरी पचक गया, अब यहाँ कुछ है इसके अंदर, पूरा लोहा घुसर गया, बहुत ही बड़ी केली घुस गई इसके अंदर, गया टायर ही, स्टेफनी से काम चलना पड़ेगा, स्टेफनी डल जाएगी इसमें, पर ये टायर का काम हो गया, हो गया ना, खत्म हो गया, टायर घिस गया भाई इसका, हाँ घिस गया, इतने मोटे टायर तो हैं, बहुत अच्छा है, अभी तो अभी जिंदा है पूरे, टायर नहीं घिसे भाई। सो गाइस हमने जिम वर्कआउट हो गया, आज मैंने हाथ भी खींच गया अपनी एब्स वाली मार रहा था एकदम से, 50 किलो का एक हाथ से खींच दिया मैंने, कच्चे भी खींच गया, आज मेरे इस महीने की मेंबरशिप खत्म हो गई है, अब मैं सोचा दूसरे जिम जाऊँ, ये जिम अच्छा नहीं है, मैं नहीं आना, मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ मेंबरशिप, कह रही पता नहीं कौन आई नहीं रिसेप्शनिस्ट, कह रही ये जो आपके इनके साथ आप इनका भी मेंबरशिप रहेगा जो मेरे साथ कैमरामैन चलता है ना, मैंने कहा फिर तो ठीक है, चेंज भैया 1000 रुपये में वहाँ जिम, भैया के जिम जा रहे हैं, कैमरामैन लाओ, 3 आदमी लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 4000 रुपये नहीं अपने कैमरामैन की भी दूँ, 4000 रुपये अपनी भी दूँ, 8000 रुपये फीस दूंगा, तो देखू थोड़े ना हूँ मैं,
सो गाइस जिम वगैरह हो गया, खाना पीना हो गया, अभी अब रात को क्या करें, अभी रात में ऑलमोस्ट 11:30 हो रहे हैं, मैं वीडियोज वगैरह बना रहा था, ठीक है। तो अपना काम धंधा भी चलता रहता है, और अभी से भी कुछ रेगुलेशंस आएंगी, कुछ आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग अपने को चीज़ देखनी पड़ेंगी कि हमारा कुछ अगेंस्ट रेगुलेशन कोई चीज़ ना हो, क्योंकि रेगुलेशंस आएंगे उसमें पड़ेंगी आपको ऐसी खतरनाक चीज़ें लिखी होती हैं जिसका मीनिंग, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसको भी समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन अपने कोई चीज़ अगर हमारी उनके अकॉर्डिंग नहीं चली तो उसको अपन ठीक करेंगे। तो अभी आएगा तो मैं आपके साथ डिस्क्लोज करूँगा कि सेवियर क्या अभी रेगुलेशंस आई हैं, जिससे आपको भी पता रहे कि भैया कौन आपको किस तरीके से टारगेट कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि मीडिया के अंदर ऑलमोस्ट ये मान लो 10 में से 8 बेवकूफ़ बनाने वाले बैठे होते हैं, और ख़ासकर इस कैटेगरी में, तो इसी को अभी सेवी टारगेट कर रही है, देखते हैं। बाकी फिलहाल आज का जो था ट्रेड अपन ने कहाँ लिया, गाड़ी में लिया, और सेटअप तो ऐसे ही पड़ा, यहाँ पर कुछ लिया नहीं, ठीक है। तो लिंक आपको मिल जाएगा, बाकी सभी सोता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।